हेलो दोस्तों, मैं रुपेश सिंह योनी क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज जो मैं टॉपिक लेके आया हूं वो टॉपिक कौन सा है, चाल, समय और दूरी। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है फ्रेंड्स, और हर एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हर एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आप लोगों के पेपर में पूछा जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, हर एक कॉन्सेप्ट को बहुत ध्यान से समझना है और शुरू से लेके अंत तक हमारे साथ बने रहना है। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। जैसा कि स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, यानी चाल, समय और दूरी। तो आप सभी लोग फ्रेंड्स पढ़े होंगे कि दूरी बराबर होता क्या है। दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। दूरी बराबर फ्रेंड्स क्या होता है, चाल गुणे समय। यानी इसी को मैं क्या कहता हूँ, डिस्टेंस। इसी को मैं क्या कहता हूँ फ्रेंड्स कि डिस्टेंस इज इक्वल स्पीड इंटू क्या होता है फ्रेंड्स, टाइम। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको अगर मैं शॉर्टकट से लिखूं तो मैंने क्या लिख दिया कि डिस्टेंस इज इक्वल क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। क्लियर है? अगर मान लीजिए फ्रेंड्स, यहां से मुझे स्पीड निकालना हो तो स्पीड बराबर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस। तो ऐसे ही रहेगा, टी इसके नीचे आ जाएगा, स्पीड बराबर हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी चाल बराबर दूरी बटे समय। क्लियर है? अगर मैं यहाँ समय की बात करूँ तो समय बराबर कितना हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। बस फ्रेंड्स, यही तीन बातें आप सभी लोगों को पता होनी चाहिए और इन्हीं तीन चीजों से ही पूरा टॉपिक आपका क्या हो जाता है, साल। लेकिन बहुत सारे बच्चे इन्हीं चीजों को अप्लाई करने पर नहीं कर पाते, तो बहुत ध्यान समझिएगा, मैं हर एक बात को बहुत ध्यान समझाने वाला हूँ, ठीक है? तो सबसे ज्यादा जो यहाँ पे सबसे ज्यादा फ्रेंड्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, हमने कहा कि आपका जो सबसे ज्यादा इम्पॉर्टेंट है वो क्या है, स्पीड। क्या है स्पीड, यानी स्पीड क्या है? तो फ्रेंड्स, अगर मैं स्पीड की बात करूं तो आपको पता है कि स्पीड बराबर क्या होता है, यानी स्पीड क्या होता है, एकांक समय में चली गई दूरी। एकांक समय में चली गई दूरी ही क्या कहलाता है फ्रेंड्स, क्या कहलाता है, स्पीड। क्लियर है? एकांक समय में किसी व्यक्ति द्वारा चली गई दूरी या किसी ऑब्जेक्ट द्वारा चली गई दूरी क्या है, स्पीड है। जैसे मैं आपसे बात करूं फ्रेंड्स स्पीड की, तो यानी जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, वो आठ घंटे में फ्रेंड्स हम मान लेते हैं कितना किलोमीटर जा रहा है, 72 किलोमीटर जा रहा है। क्लियर है? 8 घंटे में 72 किलोमीटर जा रहा है, तो 1 घंटे में फ्रेंड्स कितना जाएगा, 1 घंटे में 8 9 72, यानी 9 किलोमीटर जाएगा। यानी जो 1 घंटे में ये 9 किलोमीटर के यही स्पीड है, यानी क्या हो जाएगा, 9 किलोमीटर पर आवर। क्लियर हो गई बात? ऐसे फ्रेंड्स अगर मैं ये बात करूँ कि जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है फ्रेंड्स, मैंने मान लिया कि आठ सेकंड में 800 मीटर गया, तो 1 सेकंड में जाएगा कितना फ्रेंड्स, 100 मीटर जाएगा। यानी ये जो 100 मीटर गया है, यही आपकी क्या हो जाएगी, स्पीड, यानी 100 मीटर प्रति सेकंड। क्लियर हो गई बात? तो फ्रेंड्स, आई होप यहाँ पे आप सभी लोग बातें समझ गए होंगे कि यानी किसी व्यक्ति द्वारा एकांक समय यानी यूनिट टाइम में चली गई डिस्टेंस ही क्या है, स्पीड है। क्लियर हो गई बात? तो आई होप फ्रेंड्स यहाँ पे आप सभी लोग बातें समझ गए होंगे। अब एक बात और ध्यान समझना है कि हमने आपको क्या कहा फ्रेंड्स, जैसे मान लीजिए आप कहें कि स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्लियर है? स्पीड बराबर क्या होता है, हमने वहां पर बताया है कि स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्लियर फ्रेंड्स? या तो डिस्टेंस को किलोमीटर में मापते हैं, या तो समय को कितने किस में मापते हैं, आवर में। क्लियर? या तो किलोमीटर में मापा जाता है, या तो आवर में, या तो फ्रेंड्स इसको हम किस में मापते हैं, मीटर में, तो समय को किस में करेंगे, सेकंड में। क्लियर हो गई बात? तो आई होप यहाँ पे बातें आप सभी लोग समझ गए होंगे। क्लियर है? अब यहाँ एक चीज और ध्यान समझना है फ्रेंड्स कि कन्वर्जेशन आपको समझना है, कि यानी क्या समझना है आपको, कि यानी परिवर्तन आप कैसे समझेंगे कि जैसे फ्रेंड्स आप लोग क्वेश्चन देखते होंगे किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड में बदला जाता है, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में बदला जाता है। जैसे मैं 1 किलोमीटर पर आवर की बात करूँ, 1 किलोमीटर पर आवर इसको मैं क्या लिख सकता हूँ फ्रेंड्स, तो आप सभी लोग कहेंगे 1 किलोमीटर और अपान क्या लिख सकते हैं, 1 आवर, यही लिख सकते हैं। तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर हो जाएंगे, तो 1000 मीटर। 1 घंटे में हमने कहा कि मीटर के साथ सेकंड होता है। अगर मैं सेकंड की बात करूं फ्रेंड्स, तो 1 घंटे में कितने सेकंड हो जाएंगे, तो आपको पता है कि 1 घंटे में कितना मिनट होता है, 60, और 1 मिनट में कितना होता है, 60 सेकंड।
तो इसका मतलब कितना हो जाएगा, 6×3600 सेकंड, यानी एक घंटे में 3600 सेकंड हो जाएंगे, बटे कितना कर देंगे, 3600 सेकंड। क्लियर है? तो यहाँ डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, 2 से काटेंगे 2 5 10 2 से काटेंगे कितना जाएगा, 18। तो यानी कितना आ गया फ्रेंड्स, 5/18 मीटर प्रति सेकंड। बात समझ में आई? तो इसका मतलब फ्रेंड्स यहाँ से हो जाएगा कि मान लीजिए अगर आपको 1 किलोमीटर पर आवर दिया गया है, किसमें दिया गया है, किलोमीटर पर आवर में दिया है, इसको कन्वर्ट करना है फ्रेंड्स मीटर प्रति सेकंड में, तो मुझे किससे गुणा करना पड़ेगा, 5/18 से। क्लियर? 5/18 से। लेकिन अगर मान लीजिए फ्रेंड्स इसी का मैं उल्टा कर दूं, आपसे कहते कि मीटर प्रति सेकंड में दिया गया है और किसमें कन्वर्ट करना है, आपको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है, किसमें कन्वर्ट करना है, किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 18/5 से। किससे मल्टीप्लाई कर देंगे फ्रेंड्स, जो है 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर है? जैसे मान लीजिए फ्रेंड्स मैं आपसे बात करूं, जैसे मान लीजिए 108 किलोमीटर पर आवर दिया गया है, एक एक एग्जांपल की बात करते हैं, 108 किलोमीटर पर आवर को आपसे बोल दें कि मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करिए, किसमें कन्वर्ट करिए, मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए अब देखिए आपको कुछ करना नहीं है, 108 × 5/18 यही कर देंगे, 5/18 18 × 108 कितना आ जाएगा, 6×5 30 मीटर प्रति सेकंड। क्लियर हो गया? यानी कितना आ गया, 30 मीटर प्रति सेकंड। अगर मान लीजिए कल को फ्रेंड्स आपसे मीटर पर सेकंड में दे दे, जैसे मान लीजिए दे दे 75 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलिए, यही दे दे, अब किलोमीटर पर आवर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो कुछ करना नहीं, 75 × 18 कितना कर देंगे, 5 कर देंगे। क्लियर? तो अब इसको 5 से काट देंगे तो कितनी बार जाएगा फ्रेंड्स, तो कितनी बार जाएगा, 15। ठीक है? यानी यहाँ से आपको कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 × 8 120 की 0 हासिल लाइन 12, 15 × 15 तो 15 में 12 जोड़ देंगे, 15 × 10 = 25 यानी 270 क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, किलोमीटर पर आवर, कितना आ जाएगा, 270 किलोमीटर पर आवर। क्लियर हो गई बात? तो आई होप कि फ्रेंड्स यहाँ की बातें समझ गए होंगे कि अगर आपको किलोमीटर पर आवर में दिया है और मीटर सेकंड में कहता है कन्वर्ट करने के लिए, तो 5/18 का मल्टीप्लाई करेंगे, अगर मान लीजिए आपको मीटर पर सेकंड में दिया है किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है, तो 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर है? तो फ्रेंड्स आई होप कि यहाँ पे आप सभी लोगों को बातें समझ में आ गई होंगी कि पेपर में आएगा तो कैसे करेंगे, क्योंकि पेपर में ऐसे अक्सर क्वेश्चन आ जाते हैं। क्लियर है? चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, जो है अब देखिए आपके एग्जाम में फ्रेंड्स कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, सबसे पहले हम कुछ क्वेश्चन पर डिस्कशन करेंगे, उसके बाद फ्रेंड्स जैसे जैसे आपके एग्जाम में कौन कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ेगी तो हम कॉन्सेप्ट पर डिस्कशन होगा। क्लियर है? अब चलिए ध्यान समझते हैं हर एक बातों को, जैसे कि आपके सफर का आज का फ्रेंड्स जो है पहला क्वेश्चन आप सभी लोगों के स्क्रीन पे दिख रहा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक बस की चाल जो है 72 किलोमीटर प्रति घंटे है, बस द्वारा 5 सेकंड में तय की गई दूरी बताइए, ये आपसे पूछा गया है। अब देखिए कुछ करना नहीं है फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग सॉल्व करेंगे, देखिए बस की चाल यानी स्पीड कितना दिया गया है, स्पीड आप लोगों को दिया गया है 72 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है? बस द्वारा कह रहा 5 सेकंड में तय की गई दूरी क्या है, और जो फ्रेंड्स आपको ऑप्शन दिया गया, मैं ऑप्शन भी देता चल रहा हूँ, 100 मीटर 60 मीटर और आपको कितना दिया है 50 मीटर और कितना दिया है 74.5 मीटर। अब देखिए आपको करना कुछ नहीं है, और टाइम किसमें दिया गया है, सेकंड में, टाइम किसमें दिया गया है फ्रेंड्स, 5 सेकंड दिया गया है, और डिस्टेंस पूछा गया है, क्या पूछा है, डिस्टेंस। तो अभी अभी हमने बताया कि डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम, लेकिन जब मीटर में दिया है इसको भी मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 72 × 5/18 × 5 यही है, तो 18 × 72 और 5 × 25 कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 100 मीटर। इस क्वेश्चन का क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा यानी ए ऑप्शन। क्लियर है? तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं फ्रेंड्स आपके पेपर में, इस बात का ध्यान रहे, तो इसको आपको कन्वर्ट भी करना है, इस बात का ध्यान देना, दो बातें ध्यान देना, मीटर के साथ हमेशा सेकंड होता है और किलोमीटर के साथ हमेशा आवर होता है। क्लियर है? ये सारी बातें केवल आपको ध्यान देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन बहुत जबरदस्त है, जैसे कि आप लोगों के स्क्रीन पे दिख रहा है फ्रेंड्स, हम एकदम बेसिक से जो है हाई लेवल तक चलेंगे, और आप सभी लोगों को खुद से भी ट्राई करना है क्वेश्चन करने के लिए, ठीक है, खुद से भी ट्राई करना है।
क्वेश्चन कह रहा है एक व्यक्ति 5 किलोमीटर की चाल से चलते हुए पुल को 15 मिनट में पार कर लेता है, तो पुल की लंबाई मीटर में बताना है। तो अब देखिए करना कुछ नहीं है, पुल की लंबाई आपसे पूछा गया है, तो आपको पता है कि डिस्टेंस बराबर होता क्या है, स्पीड इंटू टाइम, यही होता है। ये देखिए 5 किलोमीटर पर आवर दिया गया है, क्या दिया है 5 किलोमीटर पर आवर, मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करेंगे कितना जाएगा 5/18, क्योंकि मीटर में पूछा गया है और समय 15 मिनट दिया है, कितने दिया है 15 मिनट, और इसको अगर मैं सेकंड में बदलना है तो फिर 60 से क्या करना पड़ेगा गुणा, क्लियर है, इस बात का ध्यान देना फ्रेंड्स। अब यहाँ इसको हम लोग चलिए हल कर देते हैं, 3 से काट देते हैं, 3 से काटेंगे 3 × 5 = 15, 3 × 6 = 18, 6 से काटेंगे कितना बार जाएगा 10, 5×25 = 125, 125 × 10 करेंगे कितना जाएगा 1250 मीटर, ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, क्लियर हो गई बात। तो फ्रेंड्स आई होप कि आप सभी लोग बातें समझ गए होंगे कि इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके पेपर में बनते हैं, और आपको ये सारी चीजें ध्यान देना है, यूनिट को ध्यान देना है, इस बात का ध्यान रहे, क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स, और अगला क्वेश्चन क्या है, जैसा कि आप लोगों के स्क्रीन पे दिख रहा है, क्वेश्चन कह रहा है एक व्यक्ति 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 1800 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय करेगा, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो देखिए समय बराबर क्या होता है, समय बराबर अभी हमने बताया था फ्रेंड्स, डिस्टेंस अपॉन क्या होता है स्पीड, क्लियर है। तो इसका मतलब यहाँ से कितना आ जाएगा 1800 / कितना कर देंगे 45, तो 45 × 4 कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 180, एक जीरो बचना लगा दीजिए, यानी कितना आ जाएगा 40 जो है घंटे, कितना जाएगा फ्रेंड 40 घंटे ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, क्लियर है। तो फ्रेंड्स ये ऐसे बेसिक क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में अक्सर देखने को मिलते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, तो देखिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन जैसा कि आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि एक व्यक्ति 1/5 किलोमीटर की दूरी को 3 घंटे में तय करता है, तब उसके द्वारा 5 घंटे में तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए 3 घंटे में फ्रेंड्स कितना दूरी तय कर रहा है, 1/5 किलोमीटर, यही दिया है, तो इसका मतलब 3 घंटे में कितना जाएगा 15, 50, 51/5 किलोमीटर, कितना गया। तो आपसे फ्रेंड्स पूछा है कि 5 घंटे में कितना जाएगा, तो पहले 1 घंटे में निकाल लेंगे, आप सभी लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर 17 × 51, 1 घंटे में 17/5 किलोमीटर गए, तो 5 घंटे में कितना जाएगा, दोनों तरफ 5 से गुणा कर दीजिए, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा फ्रेंड्स, यानी 5 घंटे में कितना जाएगा 17 किलोमीटर, भी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर होगा, क्लियर हो गई बात। तो फ्रेंड्स आई होप कि यहाँ पे बातें समझ गए होंगे कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है पेपर में तो कैसे करेंगे, क्लियर है। तो चलिए फ्रेंड्स ये बेसिक क्वेश्चन थे जो आप लोगों के एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट, एक कॉन्सेप्ट और ध्यान समझिएगा, फिर उस कॉन्सेप्ट पे हम लोग क्वेश्चन करेंगे। जैसा कि अभी हमने फ्रेंड्स आपको बताया कि आपका जो स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही होता है, स्पीड बराबर क्या होता है दूरी बटे समय। अगर मैं कह दूं कि डिस्टेंस कांस्टेंट हो, बहुत ध्यान समझिएगा, डिस्टेंस कांस्टेंट हो का मतलब फ्रेंड्स की दूरी समान हो, अगर दूरी समान है तो फिर फ्रेंड्स आपका जो स्पीड होता है वो टाइम का व्युत्क्रमानुपाती हो जाता है, क्या होता है टाइम का जो है फ्रेंड्स क्या होता है व्युत्क्रमानुपाती हो जाता है, इस बात का ध्यान देना। इसका मतलब है कि अगर फ्रेंड्स व्यक्ति की चाल ज्यादा होगी तो उसको समय कम लगेगा, यदि व्यक्ति की चाल ज्यादा होगी तो समय कम लगेगा, अगर व्यक्ति की चाल कम होगी तो समय ज्यादा लगेगा, क्लियर, इस बात को ऐसे समझिए। तो इसका मतलब कि मान लीजिए सेम डिस्टेंस से जा रहा है, S1 की चाल से T1 समय लग रहा है, उतनी ही दूरी S2 की चाल से T2 समय में जा रहा है, क्लियर है, यानी डिस्टेंस बराबर S1 T1 इक्वल S2 T2। अगर फ्रेंड्स मैं S1 को ऐसे ही रहने दूं, S2 को इसके नीचे ले आऊं तो कितना हो जाएगा T2/T1, तो यहां पे देखिए फ्रेंड्स रेसिप्रोकल हो जाएगा नहीं, यानी S1/S2 इक्वल क्या हो जाएगा T2/T1, क्लियर हो गए बात। तो ये बात भी आपको ध्यान देना है कि S1/S2 = T2/T1। इस कॉन्सेप्ट को मैं एक तरीके से और भी आपको समझाता हूँ कि फ्रेंड जैसे हम मान लेते हैं यहाँ से यहाँ की जो दूरी है हम मान लेते हैं कि फ्रेंड्स कितना है 400 किलोमीटर, कितना है 400 किलोमीटर। एक बंदा ए है जिसकी स्पीड कितना है फ्रेंड्स 50 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, एक बंदा बी है फ्रेंड्स जिसकी स्पीड है 40 किलोमीटर प्रति घंटा, यही स्पीड है।
दोनों को सेम डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कवर करना है, दोनों को यहाँ से यहाँ तक स्पीड कवर करना है, यानी जो ए बंदर है इसको समय कितना लगेगा। अगर टाइम ऑफ ए की बात करें तो 400 बटे कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 50। तो यानी जीरो से जीरो कैंसिल, 5 से काटेंगे 5 अटे 40, यानी कितने घंटे लगेंगे, 8। अगर मैं टाइम ऑफ बी की बात करूं तो टाइम ऑफ बी को कितना लगेगा ये 400 किलोमीटर जाने में फ्रेंड्स, 40 की स्पीड से कितना जाएगा, तो जीरो से जीरो कैंसिल, 4 धाम में 40, यानी कितने समय में जाएगा, 10 घंटे में। क्लियर, बहुत ध्यान समझिएगा। तो इसका मतलब जो अगर मैं स्पीड की बात करूं फ्रेंड्स ए और बी के, स्पीड की मैं बात करता हूं ए और बी, स्पीड ए की कितनी थी 50 और बी की कितनी है 40, तो ये जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा 5:4, यानी इनका जो टाइम था वो कितना हो गया। तो टाइम यहाँ पे देखिए, टाइम ऑफ ए, ए को टाइम कितना लगा है फ्रेंड्स, 8 घंटे, और टाइम ऑफ बी कितना लगा है, 10 घंटे। तो अगर मैं इसको भी 2 से रेशियो निकालूं, 2 चौके 8, 2 पंचे 10, तो इसका उल्टा हो गया कि नहीं। तो इसका मतलब वही बात मैंने आपको फ्रेंड समझाई कि अगर यहाँ पे मान लीजिए डिस्टेंस सेम है, डिस्टेंस सेम है, तो इसका मतलब आप तुरंत समझ जाएंगे कि स्पीड का उल्टा क्या हो जाता है, टाइम। स्पीड का उल्टा क्या हो जाता है फ्रेंड्स, टाइम। इस बात को आपको ध्यान देना है, क्लियर है। तो आई होप कि फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे, ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा कि अगर स्पीड का रेशियो 5:4 है तो टाइम का उल्टा इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, 4:5। क्लियर है, क्योंकि यहाँ पर डिस्टेंस कांस्टेंट है, यानी दूरी क्या है, समान है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और आज के सफर का पहला क्वेश्चन, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति अपनी चाल को पहले की अपेक्षा 20% कम कर दे तो एक निश्चित दूरी को तय करने में कितना समय अधिक लगेगा, ये आपसे पूछा गया है, ये आपसे फ्रेंड्स पूछा गया है। तो इसका मतलब देखिए, 20% का मतलब हुआ क्या, 20% का मतलब हुआ 1/5, यही है। तो इसका मतलब फ्रेंड्स, अगर दो बंदे हैं, इनका कह रहा है कि 20% अपनी चाल कम कर दे, अपनी चाल कम कर दे, तो इसका मतलब जो स्पीड है, स्पीड पहले 5 थी, एक कम कर देगा यानी कितना आ जाएगा, 4। अगर स्पीड का रेशियो 5:4 है तो इसका मतलब फ्रेंड्स टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा, 4:5, यही हो जाएगा, 4:5 हो जाएगा। तो अब यहाँ ध्यान से देखिए, अब इसका जो समय है, आपसे कह रहा है कि समय कितना अधिक लगेगा, समय कितना ज्यादा लगा, 1 कितने पे, 4/100, यानी कितना हो जाएगा, 25/100, यानी 25% ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर हो गई बात, तो बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है फ्रेंड्स। एक तरीका तो आपके पास ये था, एक आप सभी लोग परसेंटेज में पढ़े होंगे, आप लोग परसेंटेज वृद्धि या कमी पढ़े होंगे फ्रेंड्स, 100 × x/100 ± x पढ़े हैं कि नहीं। हालांकि फ्रेंड्स जो तरीका सही सही है ऐसे ही लगेगा, लेकिन मैं इस तरीके से बता दे रहा हूँ, तो आप क्या कर देंगे, 100 × 20 आपसे क्या कह रहा है, 20% कम हो रहा है, यानी 80, 20 × 80, 4 से काटेंगे तो भी फ्रेंड्स कितना आ जाएगा, 25%। क्लियर है, तो इस तरीके से भी क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, क्लियर हो गई बात। तो फ्रेंड्स आई होप कि आप सभी लोग बातें समझ गए होंगे कि इस टाइप का क्वेश्चन आएगा पेपर में तो आप सभी लोग कैसे करेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जैसा कि अगला क्वेश्चन आप सभी लोगों के स्क्रीन पे दिख रहा है, और क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है एक व्यक्ति अपना समय पहले की अपेक्षा 25% कम कर दे तो एक निश्चित दूरी को तय करने के लिए चाल को कितने प्रतिशत अधिक बढ़ाना होगा, ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए, समय को कह रहे हैं पहले का अपेक्षा 25% कम कर दें, तो 25% का मतलब हुआ फ्रेंड्स 1/4, तो यानी जो समय की बात कर रहा है, यानी समय सबसे पहले 4 था, 1 कम हो गया यानी 3, क्योंकि 4 का ही 25% 1 होता है। क्लियर है, तो इसका मतलब टाइम, इसका मतलब स्पीड, यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स डिस्टेंस सेम है, इस बात का ध्यान देना, क्वेश्चन में कह रखा है, तो इसका मतलब जो स्पीड का रेशियो है वो कितना हो जाएगा, 3:4, तो कितना बढ़ाना पड़ेगा फ्रेंड्स, 1/3 × क्या कर देंगे, 100, तो 100/3 का मतलब कितना बढ़ाना पड़ेगा फ्रेंड्स, 33 सही, 1/3% ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर हो गई बात, तो फ्रेंड्स आई होप कि आप सभी लोग बातें समझ गए होंगे कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है पेपर में तो कैसे आप लोग करेंगे। क्लियर, चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है।
तो फ्रेंड्स हर एक कॉन्सेप्ट को आपको बहुत ध्यान समझना है, जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ सब फ्रेंड्स बहुत एग्जाम में पूछे गए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन, जैसा कि फ्रेंड्स आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा है, और क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक कार, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फ्रेंड्स एक कार किसी दूरी की यात्रा को 10 घंटे में 48 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलकर पूरी करता है, यदि उसी दूरी की यात्रा को 8 घंटे में पूरा करना हो तो कार की रफ्तार को कितना बढ़ाना होगा, ये आपसे पूछा गया है, कार की रफ्तार को कितना बढ़ाना होगा। तो देखिए अब आपको करना क्या है, अब आपको करना कुछ नहीं है, अब बहुत ध्यान समझिएगा कि इस टाइप का क्वेश्चन कैसे करेंगे। अब देखिए आपको अभी अभी हमने एक फार्मूला बताया था S1T1 बराबर S2T2, यहां से भी लगा देंगे, मैं दोनों तरीका फ्रेंड्स बताऊंगा। देखिए 10 घंटे में 48 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 10 घंटे में जा रहा है, तो कह रहा है 8 घंटे में पूरा करने के लिए स्पीड को कितना बढ़ाना पड़ेगा, यही आपसे कह रहा है। इसका मतलब मैं मान लेता हूं कि कितना बढ़ाना पड़ेगा, 48 प्लस एक्स और इनटू कितना कह रहा है 8 घंटे, यही कह रहा है। तो 8 छन कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 48, 6 दाम में 60 बराबर कितना हो जाएगा 48 और धन एक्स, 48 का पक्षांतर इधर कर देंगे फ्रेंड्स 60 माइनस 48 इक्वल कितना आ जाएगा एक्स, तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा 12 किलोमीटर प्रति घंटे स्पीड को बढ़ाना पड़ेगा, कितना बढ़ाना पड़ेगा फ्रेंड्स 12 किलोमीटर प्रति घंटे जो है इसको जो है स्पीड को बढ़ाना पड़ेगा। क्लियर हो गई बात, तो फ्रेंड्स आई होप कि यहां पे बातें समझ गए होंगे कि कैसे करेंगे। बाकी एक अगला जो हमने जो आपको कांसेप्ट बताया वहां से काम करते हैं, जो टाइम का रेशियो है वो ध्यान समझिएगा फ्रेंड्स, जो टाइम का रेशियो है वो कितना है 10 से 8, 2 से काटेंगे 2 5 10, 2 चौके 8, इसका मतलब फ्रेंड्स यहां डिस्टेंस यहां भी सेम है, तो यानी स्पीड का रेशियो टाइम का उल्टा हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 4:5। क्लियर, मेरी स्पीड पहले 4 है लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया है 48, तो कितना किलो कितना गुना है 12, अब स्पीड पहले 4 थी अब 5 कितना बढ़ाना पड़ेगा 1, तो 1 × 12 कर देंगे फ्रेंड्स कितना जाएगा 12 किलोमीटर प्रति घंटा, तो यानी 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से स्पीड को बढ़ाना पड़ेगा। क्लियर हो गई बात, तो समझ गए होंगे, ये तो मैंने S1T1 बराबर S2T2 से भी लगा सकते हैं, और ये भी तरीका बेस्ट है फ्रेंड्स रेशियो मेथड से भी क्वेश्चन को बड़ी आसानी से कर सकते हैं। क्लियर, चलिए आज के सफर का फ्रेंड्स हम लोग आखिरी क्वेश्चन करने वाले हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक कार 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हुए एक निश्चित दूरी को 3 घंटे में तय करती है, बताइए एक अन्य कार जो 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है तो इस दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा, ये आपसे पूछा गया है। तो फ्रेंड्स देखिए मैं कहता हूँ कि हमेशा क्वेश्चन को पहले खुद से करने का प्रयास किया करिए, पहले खुद से करेंगे उसके बाद फिर आगे सोल्यूशन देखना है, तो कुछ करना नहीं है। फ्रेंड्स कह रहा है कि 60 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में तय करता है, एक दूसरी कार है 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कितना समय में तय करेगी, S1T1 बराबर S2T2 से, तो कितना हो जाएगा 30 × 60, 3 × 2 कितना आ गया 6 घंटे ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था फ्रेंड्स, इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाते हैं। क्लियर है, तो चलिए फ्रेंड्स आई होप कि आप सभी लोगों को सेशन बहुत ही अच्छा लगा होगा, अगर एक बार में चीजें नहीं समझ में आती हैं तो फ्रेंड दोबारा आप वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स आज का सेशन हम लोग यहीं तक रखते हैं, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।